वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एजुकेशन स्टेशन। तो जैसे कि हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि बोन्स क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूरा हमने फर्स्ट वाले पार्ट में हमने पूरा पढ़ा है। तो सेकंड हम देखते हैं कि दो टाइप्स के बोन्स होते हैं, जैसे कि एक्सियल स्केलेटन कौन से होते हैं, मतलब स्केलेटन हो गए, और अपेंडिकुलर कौन से होते हैं। एक एक करके हम दोनों पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा ये है कि जो है एक्सियल बोन क्या क्या होता है और मतलब कितने पार्ट होते हैं इसमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से बोन होंगे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और आप चाहे तो यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं, बिकॉज मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी PPT मतलब सर्च करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के पास प्रोवाइड देता हूँ, मतलब कि जो हो। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि देयर आर 18 बोन्स इन द सेंट्रल एक्सियल स्केलेटन। तेरे कितने बोन्स होते हैं? तो देयर आर 80 बोन्स। कितने बोन हो गए? 80 बोन होते हैं सेंट्रल एक्सियल में, जिसमें कौन कौन सा हो जाएगा हमारा? एस्कल हो जाएगा, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूडिंग स्टर्नम तक। वर्टिब्रल कॉलम में जितने भी बोन्स आएंगे हम सबको इंक्लूड करेंगे। उसके बाद रिब्स में कितने होंगे और स्टर्नम में कितने होंगे, तो ये सब के बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। और ये सब किसके पार्ट में आता है? एक्सियल स्केलेटन में आता है। किस में आता है? एक्सियल स्केलेटन में आएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जो स्कल है उसके अंदर कौन कौन से बोन होंगे उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो बोन्स ऑफ स्कल, जो स्कल के अंदर बोन है उसके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। तो द स्कल प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द ब्रेन एंड स्पेशल सेंस ऑर्गन। कहने की बात यह है, जो बोन्स होते हैं किसके, स्कल के बोन होते हैं, वो क्या करते हैं? सबसे पहले तो जो प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं हमारे ब्रेन को, और उसके अंदर जो स्पेशल सेंस ऑर्गन होते हैं उनको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है और हेल्प करता है और सपोर्ट भी देता है। बिसाइड्स फॉर्मिंग द लार्ज सर्विकल कैविटी, जो कैरिनियल कैविटी जो होता है हमारा, जो द स्कल ऑल्सो फॉर्म्स सेवरल स्मॉलर कैविटीज। जो स्कल है उसके अंदर बहुत सारे मतलब कैविटीज भी बनते हैं, जैसे कि है नेजल कैविटी हो गया, ऑर्बिट्स हो गया जहाँ पे आइज होते हैं, पैरानेजल साइनस हो गया, साइनसेस हो गया, स्मॉल कैविटीज विच हाउस ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हो गया, जो कि हमारे स्मॉल कैविटीज भी बनती है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब स्केल के अंदर जो बोन्स होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे जैसे है कि द बोन्स ऑफ द स्कल आर ग्रुपेड इनटू टू कैटेगरीज। जो बोन्स के अंदर जो स्कल के अंदर जो बोन्स है उसको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? दो ग्रुप में, एक हो गया क्रेनियल बोन, एक हो गया फेशियल बोन। तो पहले हम क्रेनियल बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फेशियल बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल दिया हुआ है कि कितने बोन्स कहाँ पे होते हैं स्कल के अंदर। तो पहले हम देखते हैं क्रेनियल बोन के अंदर, बोन्स के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है फ्रंटल बोन एक हो गया, पेरेटियल बोन एक दो हो गए, टेम्पोरल बोन दो हो गए, ऑसिपिटल बोन एक हो गया, और स्पोनॉइड बोन हो गया, और इथमोइड बोन हो गया। अगर हम इन सबको काउंट करें तो कितने हो जाएंगे हमारा? 8 हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा ये हो गया क्रेनियल बोन्स के अंदर हो गया, और ये हो गया हमारा फेशियल बोन के अंदर। मैंडिबल होगा जो कि एक बोन होगा, मैक्सिला दो होगा, जाइगोमोटिक बोन्स होगा, ये फेस के अंदर पाया जाता है। जैसे कि हमारी क्लिनिकल ड्यूटी जो होती है, तो मेरा न्यूरो सर्जरी में था, तो किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे मुझे मतलब ये सारे बोन्स के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ने को मिला था। तो नेजल बोन हो गया हमारा, लैक्रिमिनल बोन हो गया हमारा, पैलेटाइन बोन हो गया, और ये वूमर बोन हो गया। तो ये सब क्या है? ये जो है पार्ट, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला हमारा जो पूरा पार्ट है, ये कौन फेस का बोन है, बोन्स है। और ये हमारा कौन सा पार्ट का बोन है? ये हमारे क्रेनियल बोन्स हो गए। ये दोनों जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लें, बिकॉज एग्जाम्स में शॉर्ट में आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन्स, यहाँ पे जैसे एक दिया हुआ है, तो कौन कौन से बोन्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? तो फ्रंटल बोन कहाँ पे होगा हमारा? दिस वन इज़ फ्रंटल बोन, ओके। और दिस ये जो है, ये स्फेनॉइड बोन है, ये एथमॉइड बोन है, ओसिपिटल बोन हमेशा पीछे होता है, हमेशा क्या पीछे है, तो इसलिए तो इसका ओसिपिटल बोन है। और जो लेटरल साइड में होगा ईयर के पास में, वो कौन सा होगा? टेम्पोरल बोन हो जाएगा। और उसके बाद जो मिडल में होगा वो कौन सा होगा? पेरेंटल बोन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, द सुचर्स इज अ सीम एज इन मोबाइल ज्वाइंट बिटवीन बोन्स ऑफ द स्किन। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो स्कल्स के अंदर बोन्स होते हैं वो हमेशा इमोबाइल ज्वाइंट होते हैं, हमेशा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो हमारा बोन्स है, तो ऑफ द 8 क्रेनियल बोन्स दैट फिट टुगेदर टू फॉर्म द ब्रेन केज। जो 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं जब एक साथ पूरे फ्यूज होते हैं तो क्या बनते हैं? हमारा एक ब्रेन केज बनता है। उसके बाद द स्पिनॉइड बोन इज द की स्टोन। स्पिनॉइड बोन जो होता है वो हमारा की स्टोन है।
लाइक अ की स्टोन ऑफ द रोमन आर्च द स्पोनाइड इज द सेंटर ब्रिक दैट बैलेंस द आउटवर्ड थ्रस्ट ऑफ द सेंटर बोन। कह रहे हैं जो की स्टोन है हमारा ये स्पोनाइड बोन जो होता है की स्टोन है जो कि सबको बैलेंस करके रखता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन्स ऑफ द स्किन, ये तो हम ही पढ़ चुके हैं अभी। उसके बाद बेसाइड प्रोटेक्टिंग द ब्रेन द स्कल प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर अटैचमेंट ऑफ द मसल्स दैट मूव वेरियस पार्ट ऑफ द हेड। तो यहाँ पे यह है कि अब प्रोटेक्शन के अलावा भी और सारे काम है जो कि स्कल के बोन्स का है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे वर्टिब्रल कोलम के अंदर देखते हैं कौन कौन से बोन होते हैं यहाँ पे। हम तो वर्टिब्रल कोलम के अंदर देखते हैं द स्पाइन इज कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। जो स्पाइन होता है उसके अंदर बहुत सारे बोन का एक सीरीज है जिसको हम क्या कहते हैं वर्टिब्रा कहते हैं। वर्टिब्रा टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी अपेंडिकल और एक प्रोसेस है। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं एक वर्टिब्रल कोलम बनी है। ओके तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे द वर्टिब्रल कोलम के अंदर क्या क्या मतलब है और कैसे कैसे इसको नाम दिया गया है कौन से बोन का क्या नाम है। तो देयर आर सेवन सर्विकल वर्टिब्राए इन द नेक रीजन लेवल C1 to C7। नेक रीजन का जो भी मतलब बोन होगा उसको C1 से लेकर C7 तक होता है। उसके बाद थोरेसिक केज के अंदर जितने भी वर्टिब्रल होते हैं उसको T1 से लेकर T12 तक डिनोट करते हैं। उसके बाद लंबर हो गया तो L1 से लेकर L5 तक हो जाता है। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है द स्क्रम एंड कोकस आर द सिंगल बोन दैट रिजल्ट टू फॉर्म अ फ्यूजन ऑफ सेवरल वर्टिब्राए। जो सेक्रम है और ये कोकस है ये सिंगल बोन होता है। और यहाँ पर देखते हैं तो सर्विकल बोन ये हमारा ये सर्विकल बोन, उसके बाद हमारा थोरेसिक हो गया, उसके बाद हमारा लंबर हो गया। तो हम यहाँ पे देखें क्या कि नेक रीजन में कौन कौन से बोन होते हैं कितने मतलब कहाँ से कहाँ तक का सीरीज होता है C1 से लेकर C7 तक होता है। और थोरेसिक केज में कहाँ से होता है T1 से लेकर T12 तक होता है हमारा। उसके बाद लंबर में कितने हो गए L1 to L5 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे द वर्टिब्रल कोलम, यहाँ पे तो हम पढ़ चुके इसको फ्रॉम द सर्विकल रीजन टू द स्क्रम इस वर्टिब्रल हैज अ लार्ज सेंट्रल होल टू वर्टिब्रल फॉर्म इन विच द स्पाइनल कॉर्ड कैन ट्रेवल एट इच सेगमेंट लेवल साइड्स एंड इंटरवर्टेब्रल फोमेन इज फॉर्म इन द एग्जिस्टिंग स्पाइनल नर्व्स। तो इसके थ्रू मतलब क्या होता है वर्टिब्रल कोलम होते हैं उसके थ्रू क्या होता है हमारे जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वहाँ से वो मतलब वहीं से मतलब ब्रांचेज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिब्रल कोलम के अंदर, तो यहाँ पे देखते हैं हम तो द टफ फाइबर केस इंटरवल डिस्क इज फाउंड बिटवीन द बॉडीज ऑफ एडजेसेंट वर्टेब्रा। तो जो फाइबर कार्टिलेज होता है जो इंटरवल डिस्क होता है वो कहाँ पे होता है एडजेसेंट साइज पे होता है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे द वर्टिब्रल कोलम, यहाँ पे तो हम देख चुके हैं इसको जिसके बारे में आप एक बार अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं थोरेक्स हो गया इसका पार्ट ही हो जाएगा और जो थोरेक्स हो जाएगा उसके बाद थोरेक्स के अंदर भी कितने बोन्स होते हैं। उसके बाद हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करते हैं तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कितने बोन्स हो जाएंगे हमारे 126 बोन होते हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। तो स्केलेटन आर प्राइमरी कंसर्न्ड विद द मूवमेंट, जो स्केलेटन बोन होते हैं मेनली किसके लिए होते हैं मूवमेंट के लिए होते हैं हमारे। ओके एज अपेंडेजेस टू द सेंट्रल स्केलेटन दिस बोन्स इंक्लूड दोज ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स इंक्लूडिंग द गिडल दैट अटैच देम टू द एक्सियल स्केलेटन। कह रहा है जो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के जो बोन्स होते हैं 126 मेनली किस लिए होते हैं या फिर किस चीज़ से प्राइमरी इनका काम क्या है तो मूवमेंट का काम है ये क्या। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अपर लिम्ब हो गया तो अपर लिम्ब में कौन कौन सा आ जाएगा तो जस्ट हमको रीड कर लेते हैं इसको बिकॉज तो यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ इट्स मेजर ज्वाइंट्स एंड कंपोनेंट बोन द अपर लिम्ब्स इज डिवाइडेड इनटू अ शोल्डर आर्म फोर आर्म एंड हैंड्स। जो मतलब अपर लिम्ब्स होते हैं उसको कितने मतलब बाथरूम पार्ट में डिवाइड कर दिया गया तो यहाँ पर हो जाएगा शोल्डर आर्म हो जाएगा फोरआर्म हो जाएगा एंड हैंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द शोल्डर ग्रिडल हो गया ये भी उसी का पार्ट है तो द बोन ऑफ द शोल्डर पेक्टल ग्रिडल इंक्लूड द स्कैपुला एंड द सर्विकल। अब यहाँ पे हम एक एक करके ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है दो फोरआर्म है उसके बाद दो फोरआर्म का स्ट्रक्चर है उसके बाद हैंड का हम देखेंगे उसके बाद रिस्ट में देखेंगे कितने बोन होते हैं। ओके तो ये था हमारा आज का जो है एक्सियल बोन और अपेंडिकुलर बोन के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।